फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बाय मेल आया मुझे, और आपको भी कोई क्वेरी हो तो आप मी विपिन सेतिया @gmail.com पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको हम देख लेते हैं एक बार। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan रेज टू पावर 25 थीटा प्लस cot रेज टू पावर 25 थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। बच्चे ज़्यादातर ये 25 की पावर देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, उनको लगता है कुछ एक्सपोनेंट्स की चीज़ आ गई है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ना, क्वेश्चन बिकम्स ट्रिगो प्लस एक्सपो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज tan थीटा प्लस cot थीटा। tan की वैल्यू 45 पे होती है 1, और cot की वैल्यू 45 पे होती है 1, तो चांसेस हैं 1 + 1 = 2, तो थीटा यहाँ 45 होना चाहिए। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 1/tan θ = 2, इसका मतलब इट बिकम्स tan square theta plus 1 is equal to 2 tan theta, और जैसा मैंने सोचा वैसे ही हुआ, tan square theta minus 2 tan theta plus 1 is equal to 0, इसका मतलब इट बिकम्स tan theta minus 1 का whole square, और tan theta minus 1 is equal to 0, so tan theta is equal to 1, then theta is equal to 45. Now you put 45 here, so this is tan raised to power, now theta is 45, you can put theta is 45. Tan raised to power 25, 45 degree, plus cot raised to power 25, 45 degree, plus secant square 45, plus cos square 45. So this is 1 raised to power 25, plus 1 raised to power 25. This is secant 45 is root 2 raised to power square, and cos 45 is 1 by root 2. So this is 1 plus 1. Plus 2 plus 1 by 2. This is 4 plus 1 by 2 is 9 by 2. Here is your answer. God bless you all. This exam time is going on. You can follow Mass for All. God bless you.